कि ये वो तस्वीरें हैं जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। शामली की ये वो तस्वीरें हैं जिसमें पीएम मोदी की अपील बेअसर हो गई। शामली की ये वो तस्वीरें हैं जिसमें कोरोना जैसे संकट को बुलाया जा रहा है। शामली की ये वो तस्वीरें हैं जिसमें लॉकडाउन बेअसर नजर आ रहा है। दिन पर दिन देश में हालात कितने गंभीर होते जा रहे हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि एक तरफ जहां 7,000 से भी ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित है, तो वहीं 239 लोगों को ये किलर वायरस निगल चुका है। फिर देखिए जरा, 14 अप्रैल तक समूचे देश में लगा लॉकडाउन अभी खत्म भी नहीं हुआ कि शामली में लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। ना ही जानलेवा कोरोना का खौफ है और ना ही दूसरों की जान की परवाह, बस खुलेआम घूमना है। ऐसा लग रहा है कि भीड़ की आड़ में बस कोरोना को फैलाना है। असल में लोगों की आवश्यकताओं को देखते हुए प्रशासन ने सुबह 6:30 बजे से 9:30 बजे तक फल सब्जियां, डेयरी और राशन की दुकानें खोलने की मंजूरी क्या दी, उल्टा अपने लिए मुसीबत बुला ली। लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए लोग दुकानों पर भीड़ लगा रहे हैं, सड़कों पर जाम लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, किराना मेडिकल स्टोर के अलावा तंबाकू, सरिया, पेंट और क्रॉकरी आदि की सभी दुकानें लगातार खुल रही हैं, जिन पर प्रशासन लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रहा है। इन हालातों में लोगों को कैसे लॉकडाउन का पालन करवाया जाए, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब समझाया जाए, इस पर जिलाधिकारी जसजीत कौर का क्या कहना है, देखिए। कोरोना वायरस के संक्रमण के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा सुबह 6:30 से 9:30 तक की ढील लोगों को दी गई है जरूरत के सामान के लिए, लेकिन उसके बावजूद लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है, क्या है? हमारे जिला प्रशासन की तरफ से जो सुबह का टाइम डिसाइडेड है बाज़ार का 6:30 से 9:30 बजे के बीच में, जब लोग आके अपना ज़रूरत का आवश्यक सामान जो है ले सकते हैं, कई जगह देखने में मिल रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो रही है, लोग नियमता ले रहे हैं, पर कहीं कहीं से कोई ऐसी शिकायत भी प्राप्त हो रही है कि ज़्यादा भीड़ लग रही है, लोग बाज़ार में उमड़ रहे हैं। इसके लिए आवश्यक है कि हम अपने जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेट्स जो अब तक ड्यूटी कर रहे थे उनको और ज़्यादा स्ट्रिक्टली बोलेंगे कि लग के मॉनिटर करें कि इस समय में भीड़ ना लग पाए, और यदि टाइमिंग्स का कोई रिवाइज करने की आवश्यकता है तो उस पर दोबारा हम लोग विचार कर लेते हैं कि किस प्रकार से भीड़ जो है बाज़ारों में रिस्ट्रिक्ट करी जाए। कुछ होम डिलीवरी वाले जो हमारे वेंडर्स हैं, करियाने वाले, सब्जी फल वाले, उनको और हम लोग क्रियाशील करते हैं ताकि लोगों को उनका आवश्यकता का सामान घर पे ही मिल जाए। श्यामली की इन तस्वीरों से एक बात तो साफ है, कोरोना जैसे खतरे के बीच अगर हालात ऐसे ही रहेंगे तो 700 से 7,000 कोरोना संक्रमित मामले होने में वक्त नहीं लगेगा। शामली से पंकज मलिक की रिपोर्ट।